प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th का स्नैपशॉट बुक का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द एड्रेस। इसका हमने कल एक लेक्चर लिया था, उसमें आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। और आपका पैराग्राफ ये है, माय मदर सीम्स टू नोटिस। ठीक है, तो ये कहानी है एक नैरेटर की, जो हॉलैंड में वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जो उनकी मम्मी थी उनका सामान की उनकी सहेली ने किसी एक परिचित ने रख लिया था, और उसी के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। उनकी मम्मी ने उनको एड्रेस बताया था कि इस नंबर पे हमने अपना सामान रखा है, क्योंकि युद्ध के समय कहीं भी आदमी को भागना पड़ जाता है। तो उस औरत ने ये कहा था उनकी मम्मी को कि आपका सामान हम अपने यहाँ पर सुरक्षित रखेंगे। तो इसमें आगे की कहानी देखो बेटा क्या है। माई मदर सीम्स टू नोटिस। अब नरेटर कह रही हैं कि उनकी माँ को ऐसा प्रतीत हुआ दैट आई वाज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, उसने क्रोधित होकर मेरी तरफ देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की। इसके बाद क्या हुआ, मीनव्हाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। उसके बाद लेखिका जो है स्टेशन पर आ गई, और उसने जो रास्ते में जो भी चीज़ें दिखाई दी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अर्थात उनका पूरा ध्यान जो है अपनी माँ के ऊपर था। जो उनसे कन्वर्सेशन हुआ था, जो उनसे वार्तालाप हुआ था, उसके ऊपर उनका ध्यान था। रास्ते की कोई भी चीज़ उन्होंने जो रास्ते में आई ट्रेन में, उन्होंने उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वर्ल्ड वार। और वो राइटर कहने लगे कि वर्ल्ड वार के बाद मैं पहली बार इन फैमिलियर स्थानों पर, इन परिचित स्थानों पर चल रही हूँ, घूम रही हूँ। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन जहाँ तक संभव हो, मैं जहाँ तक हो सकता है मैं उससे आगे नहीं बढ़ूँगी, यानी कि जहाँ तक सेफ है मैं वहीं तक जाऊँगी, उसके आगे मैं नहीं जाऊँगी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइड ऑफ द स्ट्रीट एंड आई डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती टू अपसेट माई सेल्फ, अपने आप को दुखी देखना, विद द साइड ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज फुल ऑफ द मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीवियस टाइम। अब ये लिखिएगा उस समय की बात कर रहे हैं जब वर्ल्ड वार टू से पहले की बात। अब ये कह रहे हैं कि मैं उन चीज़ों को दोबारा देख करके, उन गलियों को, उन सड़कों को, उन घरों को देख करके, उनकी यादों को देख करके, मैं अपने आप को ज़्यादा अपसेट करना नहीं चाहती। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वार से पहले वो जहाँ रहती थी उनकी यादों को देख करके वो ज़्यादा अपने आप को दुखी करना नहीं चाहती। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसिस डोलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। अब लेखिका ये कहने लगी कि इन द ट्रेन बैक, जब ट्रेन में वो वापस आ रही थी, उन्होंने मिसिस डोलिंग को देखा अपने सामने, और जैसा कि उन्होंने पहले उनको देखा था। जब उनसे वो पहली बार मिली थी, इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। और ये उस दिन से अगले दिन की बात है जब उनकी मम्मी ने उन्हें उनको मिसिस डोलिंग के बारे में बताया था। आई हैड गोट अप लेट, वह लेखिका कह रहे कि मैं लेट उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को सी ऑफ कर रही है, किसी को हाई कर रही है, किसी को विदाई दे रही है। ए मैन विद ए ब्रॉड बैक, एक औरत जिसका कमर जो है काफ़ी चौड़ा था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन ऑफ, उनकी माँ किसी को विदाई दे रही थी, किसी को विदा कर रही थी। ए वुमैन विद ए ब्रॉड बैक, एक ऐसी औरत जिनकी कमर जो है बहुत चौड़ी थी। देयर इज माई डॉटर सी सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि यह मेरी लड़की है। सी बैकन टू मी, बैकन का मतलब इशारा करना, बैकन टू का मतलब इशारा किया, मी माँ ने मेरी तरफ, मेरी मम्मी ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि यह मेरी बेटी है।
तो मैन नोडेड। जो औरत थी उसने जो है सिर हिलाया एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और जो कोट रैक के नीचे सूटकेस था उसने उसको उठा लिया। कोट रैक क्या होता है, जहाँ पे हम कपड़े वपड़े टांगते हैं, कोट वगैरह टांगते हैं, उसको कहते हैं कोट रैक। सी वोर ए ब्राउन कोट, उसने एक भूरे रंग का कोट पहना हुआ था एंड ए शेपलेस हैट, और उसका हैट था उसकी ज़्यादा अच्छी शेप नहीं थी, या कि वो बेकार बेकार शेप वाला हैट था, बेढंगा जिसको कहेंगे। तो उस औरत ने जो है एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और उसका जो हैट था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। अब राइटर ने पूछा कि क्या वह दूर रहती है। सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद हैवी केस, ऐसा क्यों कहा राइटर ने? ऐसा इसलिए कहा कि वो सूटकेस को जितनी डिफ़िकल्टी के साथ लेकर के जा रही थी, उसको देखते हुए उसको ऐसा आभास हुआ कि ये औरत शायद बहुत दूर रहती है, इसलिए उसने कहा कि क्या ये बहुत दूर रहती है। क्यों कहा? क्योंकि जब वो सूटकेस को उठा के ले जा रही थी, जो उसमें डिफ़िकल्टी हो रही थी, जो कष्ट हो रहा था, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि क्या वह बहुत दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि वह मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, एंड नंबर 46 रिमेंबर दैट, और उसका हाउस नंबर है 46, और इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर इट, मैंने इसको याद रखा, बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टू गो देयर, लेकिन वहाँ जाने में मुझे बहुत लंबा समय लग गया। मैंने इस नंबर को याद तो ज़रूर रखा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची मुझे बहुत देर हो चुकी थी, यानी कि बहुत दिनों के बाद वो वहाँ पहुँची। इनिशियली आफ्टर द लिब्रेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। इनिशियली मैंने शुरू में तो आफ्टर द लिब्रेशन, शुरू में जब आज़ादी के बाद, शुरू में आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन कह रहे कि मैं इसमें ज़्यादा रुचि नहीं थी, जो भी जो स्टोर की हवा सामान है, यानी कि जो उनकी मम्मी की सहेली सामान को लेके गई आज़ादी के बाद, शुरू में तो उन्होंने उसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसमें कोई उनकी रुचि नहीं थी। बट स्वाभाविक रूप से आई वाज रादर अफ्रेड ऑफ इट, लेकिन मैं इससे डरती भी थी स्वाभाविक रूप से, एंड अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए। अच्छा, लेखिका डरती क्यों थी? लेखिका इसलिए डरती थी क्योंकि उसकी उन चीज़ों को देख करके उनको अपनी मम्मी की याद आएगी। और इसमें क्या था, इसमें ये था इनको कि वो उन चीज़ों को इसलिए देखने का इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए रुचि नहीं रखती थी, क्योंकि उसको देख करके क्या होगा, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, जब इनका लेखिका उन चीज़ों का सामना होगा, दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि जब ये उन चीज़ों को देखेगी जिस चीज़ों का उनसे कोई संबंध नहीं है, या जिनके द्वारा वे चीज़ें बनाई गई थी उनकी मम्मी के द्वारा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि अब उनकी मम्मी तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो मर चुकी है, तो अब उन चीज़ों को देख करके क्या फ़ायदा है। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड एंड बॉक्सेज, जो कपबोर्ड और बॉक्सेज में छुपा के रख दी गई हैं, एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और वो हम उसकी प्रतीक्षा करें बेकार में कि कब उनको उठा करके दोबारा से रखा जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइटर ये कह रही हैं कि उन चीज़ों को देखने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका स्वाभाविक रूप से ये भी कारण था कि जब मैं उन चीज़ों को देखूंगी तो मुझे मेरी मम्मी की याद आएगी, और मेरी मम्मी तो अब यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मर चुकी हैं, और उससे भी ज़्यादा क्या है कि हम उसका इंतज़ार करें कि कब वो उनको दोबारा से हम सजा के रखेंगे, तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, कोई समझदारी वाली बात नहीं है। विच हैड एंडर ऑल दोज ईयर्स बिकॉज देवर थिंग्स, और वो सारी चीज़ें इसलिए टिकी रही अब तक क्योंकि वे वस्तु थी। अगर आदमी होते तो आदमी तो मर जाते हैं, जैसे उनकी मम्मी मर गई, तो लेखक कह रहे हैं कि ये चीज़ें अभी तक इसलिए एंडर हैं, अभी तक इसलिए टिकी हुई हैं, अभी तक इसलिए सही सलामत हैं, क्योंकि ये वस्तुएँ थी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन आग ये अब वर्ल्ड वार के बाद की कहानी बता रही हैं कि जैसे वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, दोबारा से चीज़ें सभी सामान्य हो गई। ब्रेड वर गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, और जो ब्रेड थे वो अब लाइटर कलर के मिलने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले बटर जो है
पहले जो ब्रेड आती थी वो ब्राउन ब्रेड आती थी, अर्थात जो अनाज का गेहूं का जो दाना है उसके ऊपर का खोल से बनी हुई आती थी, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तो राइटर का कहने का मतलब ये है कि अब जो ब्रेड हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की आने लगी हैं। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंस एट ईच अदर। अब लिखिएगा क्या कहती है, कहती है कि देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अब आप बेड पर बिना डरे सो सकते हैं। ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंस एट ईच डे, और आप रूम को हमेशा देख सकते हैं। वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन मैंने देखा कि मैं बहुत ही क्यूरियस हो गई उन सब चीज़ों को देखने के लिए जो उस एड्रेस पे रखी गई थी। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच एंड रिमेंबर, और राइटर कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को देखना चाहती थी, इनको छूना चाहती थी और इनको याद रखना चाहती थी। आफ्टर फर्स्ट माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिस्टर डोरलिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, पहली जो उनकी ट्रिप थी मिसिस डोरलिंग के घर पे वो तो वेन में चली गई, ख़राब हो गई, तो उन्होंने दूसरी बार जाने का तय किया। पहली यात्रा जो वहाँ पे थी उनके घर पे जाने की वो उसमें उनको कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ, तो उन्होंने दूसरा ये डिसाइड किया कि वो दूसरी बार वहाँ ज़रूर जाएंगी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, अब पहले जब विजिट की थी उस औरत ने दरवाज़ा खोला था जो उनकी मम्मी की सहेली थी, और जब दूसरी विजिट में गई अब किसने दरवाज़ा खोला, एक लड़की थी जो 15 साल की थी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, और मैंने उनसे पूछा कि उनकी मम्मी घर पर है। नो सी रिप्लाइड माई मदर इज़ डूइंग एन इरेंड, इरेंड का मतलब है किसी काम पे जाना छोटे मोटे काम के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी मम्मी काम पर गई है। नो मैटर आई सैड, मैंने कहा कोई बात नहीं है, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसके लिए यहीं इंतज़ार करूँगी। तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही रखेंगे।